इंतजाम है। एयरपोर्ट के बाहर से लेकर नरीमन पॉइंट के आसपास की सभी सड़कें खचाखच भरी हुई हैं। एक बड़ा जनसैलाब टीम इंडिया के इस विक्ट्री जुलूस में शामिल होने के लिए उमड़ पड़ा है। और इस बीच बड़ी खबर यह कि टीम इंडिया जो है वो पहुंच गई है मुंबई। ये मुंबई एयरपोर्ट का आप इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं, किस तरह भारतीय टीम के खिलाड़ी पहुंच चुके हैं बारबाडोस से। सबसे पहले दिल्ली आए, प्रधानमंत्री मोदी से उन्होंने मुलाकात की, 2 घंटे तक ये मुलाकात चली और उसके बाद मुंबई के लिए रवाना हो गए। मुंबई एयरपोर्ट पर फूल बरसाए गए उनके ऊपर, फैंस जो वहां इंतजार कर रहे थे वो उनका वीडियो बनाते नजर आए, गुलाब की पंखुड़ियां सभी टीम मेंबर्स के ऊपर फैंस ने फेंकी और कुछ इस तरह विजेता की तरह देश में एंट्री की टीम इंडिया ने। बॉम्बे पहुंच गए हैं, यहां पर भी उनके सम्मान का एक बड़ा समारोह रखा गया है वानखेड़े स्टेडियम में और उसके बाद एक विक्ट्री परेड भी निकाली जाएगी। और पहली तस्वीर पर नजर डालिए, नरीमन पॉइंट के आसपास का इलाका है, ये वो रोड है जहां पर आपको एक नीला समंदर नजर आएगा। टीम इंडिया की टी शर्ट पहने हुए जो फैंस है वो मुंबई की सड़कों पर किस कदर निकले हुए हैं कि इस विक्ट्री जुलूस में वो भी शामिल होना चाहते हैं, खिलाड़ियों की वो भी एक झलक लेना चाहते हैं, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप भारत आया है। वर्ल्ड कप में जरूर निराशा हाथ लगी, फाइनल मैच हार गई टीम इंडिया, लेकिन T20 वर्ल्ड कप के दिलचस्प मुकाबले को जिस तरह जीता, साउथ अफ्रीका को पटकनी दी और एक बार फिर से इतिहास को दोहराते हुए T20 वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद टीम इंडिया का भव्य स्वागत। 3 तस्वीरें आपके सामने और देखिए, जब ये विमान लैंड हुआ, ये प्लेन लैंड हुआ मुंबई एयरपोर्ट पर, तो यहां पर भी स्वागत किया गया, पानी की बौछारें की गई। आप देखिए ये स्वागत है, मुंबई जो कि समंदर किनारे है, पानी की खूबसूरत बौछारों और झरनों के साथ स्वागत किया गया। प्लेन के ऊपर आप देखिए किस तरह पानी की फुहारों को यहाँ पर डाला गया, ये भी स्वागत का एक जेस्चर था। और उसके बाद एयरपोर्ट पर फैंस का तांता लगा है, यहाँ तक कि एयरपोर्ट का जो स्टाफ है वो भी देखिए, वहाँ सिक्योरिटी में तैनात सभी जो लोग हैं कर्मचारी वो भी टकटकी लगाए इंतजार कर रहे हैं विजेता टीम का। और जैसे ही खिलाड़ी आना शुरू हुए, आप शोर में वहां के उत्साह को महसूस करिए, कैमरों के फ्लैश रुक नहीं रहे थे और एक एक करके खिलाड़ी बाहर आ रहे हैं तो हर कोई अपने कैमरे में उनको कैद करने के लिए आतुर दिखाई दे रहा है। तो अपने परिवार के सदस्यों के साथ कुछ दिल्ली से यहां मुंबई और पूरी टीम प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने के बाद उनके आवास पर दिल्ली में और अब सीधे मुंबई पहुंच गई है। और एयरपोर्ट के बाहर से आ रहा ये शोर अंदाजा लगाइए कितनी बड़ी पैमाने पर भीड़ वहां पर उपस्थित है। और कोच राहुल द्रविड़, एक विजेता टीम के कोच, एक बार फिर से उनके अनुभव की तारीफ हो रही है कि जिस तरह पूरी टीम की मेंटोरिंग उन्होंने की और उसके बाद अब T20 वर्ल्ड कप जीत करके टीम वापस आई है। नरीमन पॉइंट पर टीम का इंतजार हो रहा है जहां पर उनका सम्मान समारोह होगा और उसके बाद एक विक्ट्री परेड भी निकाली जाएगी। विराट कोहली फाइनल में जिस तरीके से उन्होंने खेला, पारी को संभाला, वो अपने आप में अनुभव बयान करता है। अपने ग्रुप में लगातार टॉप पर बनी रही टीम इंडिया और उसके बाद फाइनल का दिलचस्प मुकाबला, उसे जीतकर T20 भारत लेके आना, एक बार फिर से इतिहास को दोहराना, ये अपने आप में एक गौरवशाली क्षण है। तकरीबन 2 घंटे तक प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत हुई सभी खिलाड़ियों की। प्रधानमंत्री मोदी ने उनको बधाई दी, शुभकामनाएं दी, उनके अनुभव पूछे, उनका हौसला भी बढ़ाया और उसके बाद टीम सीधा मुंबई के लिए रवाना हो गई। तो एयरपोर्ट के बाहर फैंस की बड़े पैमाने पर मौजूदगी और उसके बाद टीम इंडिया का रोड शो शुरू होगा, विजेता टीम का, विश्व विजेता टीम का ये भव्य रोड शो होगा, विक्ट्री परेड होगी। मुंबई की सड़कों पर जगह जगह भीड़ लगी हुई है, नरीमन पॉइंट के आसपास की रोड पूरी तरीके से फैंस ने ब्लॉक कर रखी है क्योंकि यहीं पर इंतजार हो रहा है सभी खिलाड़ियों का। तो नरीमन पॉइंट पर टीम का इंतजार हो रहा है, मुंबई से ये लाइव तस्वीरें हमें मिल रही हैं। एक एक करके सभी खिलाड़ी पहुंच चुके हैं और अब एयरपोर्ट से सभी रवाना हो रहे हैं। नरीमन पॉइंट पर सबका इंतजार हो रहा है जहां पर सम्मान समारोह होगा टीम इंडिया का और उसके बाद एक विक्ट्री परेड भी निकाली जाएगी। और ये नरीमन पॉइंट का दृश्य देखिए, इधर असली समंदर और इधर टीम इंडिया के चीयर अप में ये नीली टी शर्ट का समंदर, किस तरह सभी फैंस जो हैं वो इंतजार कर रहे हैं टीम इंडिया का। तो टीम मुंबई एयरपोर्ट पहुंच चुकी है, विश्व विजेता का विजयी स्वागत भारत में जारी है, बारबाडोस से सीधा दिल्ली,
प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात और उसके बाद सीधा मुंबई पहुंची है टीम इंडिया। समारोह होने जा रहा है T20 वर्ल्ड कप विक्ट्री परेड थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें आप देखिए। भारतीय क्रिकेट टीम ने बारबाडोस की धरती पर साउथ अफ्रीका को T20 वर्ल्ड कप पर 2024 के फाइनल में हराकर तिरंगा फहराया था। आज भारतीय टीम की वतन वापसी हुई है और दिल्ली में टीम इंडिया के सदस्य आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी इससे पहले मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। तस्वीरें आप देखिए, हर कोई आज क्रिकेटर्स का स्वागत करने के लिए यहां पर पहुंचा हुआ है मुंबई से। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और थोड़ी ही देर में मुंबई में विक्ट्री परेड निकाली जाएगी और इसी में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं भारतीय क्रिकेटर्स का स्वागत करने के लिए। तो ये तस्वीरें आप देखिए, नरीमन पॉइंट पर टीम इंडिया का इंतजार हो रहा है और बड़ी संख्या में लोग आज टीम इंडिया का स्वागत कर रहे हैं। तो भारत से चार्टर्ड प्लेन पहुंचा था और उसी के जरिए सभी वापस आए और अब इंतजार है सभी खिलाड़ियों का। तो ये तस्वीरें आप देखिए, क्रिकेटर्स रवाना हो चुके हैं नरीमन पॉइंट्स के लिए और थोड़ी देर में यहां पर पहुंच जाएंगे, जिसके बाद में विजय परेड निकाली जाएगी। तो तस्वीरें आप देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं चैंपियंस की, और जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको लोग ही नजर आएंगे, क्योंकि बड़ी तादाद में इस वक्त लोग मुंबई में जुटे हुए हैं। ना सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि अलग अलग राज्यों से लोग यहां पर पहुंचे हैं और विश्व विजेता टीम का भव्य रोड शो होगा जिसमें हर कोई आज शामिल होना चाहता है। तो भारतीय क्रिकेट टीम ने बारबाडोस की धरती पर साउथ अफ्रीका को T20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल में हरा कर तिरंगा लहराया था। जितना दिलचस्प ये मैच रहा उतना ही दिलचस्पी के साथ में लोग यहां पर इंतज़ार कर रहे हैं और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। एक एक तस्वीर आप देखिए, सुबह से जब एयरपोर्ट पर पहुंचे वो भी तस्वीरें आपके सामने हैं और किस तरह से लोग बधाई देने के लिए बड़ी संख्या में मुंबई में इकट्ठा हुए हैं। और क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो साउथ अफ्रीका को भारत ने 7 रनों से हराया था और दिल्ली से लेकर मुंबई तक भारतीय टीम के स्वागत को लेकर तमाम इंतजाम आज किए गए हैं और स्वागत के लिए BCCI की तरफ से भी खास तैयारी की गई है। तो चैंपियंस मुंबई एयरपोर्ट से बाहर निकले, उसकी तस्वीरें भी आपके सामने हैं और कुछ ही देर में सभी खिलाड़ी यहां पर पहुंच जाएंगे और विक्ट्री परेड के लिए रवाना होंगे और इस परेड में आज हर कोई शामिल होना चाहता है। तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें देखिए, बीच में ये काफिला और रोड के दोनों तरफ आप देखिए हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई देने के लिए। और सर्वेश तिवारी हमारे साथ में जुड़ गए हैं मुंबई से। सर्वेश का रुख कर लेते हैं। सर्वेश, जरा तस्वीरें आप दिखाइए, लोगों से बातचीत करने की भी कोशिश कीजिए, क्योंकि जितना मैच ये दिलचस्प रहा और उतनी ही उत्सुकता के साथ में आज लोग मुंबई में इंतजार कर रहे हैं चैंपियंस का। देखिए, जिस तरह से दिल्ली से रवाना होकर टीम मुंबई पहुंची है एयरपोर्ट पे, शानदार उनका स्वागत के लिए तमाम लोग मुंबई कर साथ ही VIP जितने हैं वो खड़े हुए हैं। स्पेशल सिक्योरिटी के इंतजाम बात करें तो गुजरात के भी कुछ आला ऑफिसर यहाँ पर पहुंचे हैं। गुजरात की बस भी एक पहुंची है जिसपे, जो ओपन बस है जिसपे मुंबई के जो VIP मूवमेंट्स है मरीन ड्राइव का, वहां पर ओपन बस पे पूरी टीम लोगों को अपना एक जो है हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन करती नजर आएगी। और तमाम मुंबई कर, इस वक्त बात करें मुंबई के मरीन ड्राइव हो या गिरगांव चौपाटी हो, वहां से लेके जो ओबराय होटल है वहां तक एक बड़ी क्राउड इकट्ठा हुई है इंडियन टीम का स्वागत करने के लिए। एयरपोर्ट से इंडियन टीम जब निकलेगी तो सीधे वानखेड़े स्टेडियम पहुंचेगी, तकरीबन 5 बजे के करीब कह सकते हैं। 5 बजे करीब वानखेड़े स्टेडियम में आने के बाद वहां पर ओपन बस से वो टीम बाहर आएगी। उसके बाद वहां तमाम जो खिलाड़ी होंगे अभिवादन करने के बाद
दोबारा फिर से वानखेड़े स्टेडियम में जाएंगे। वहां पर एक छोटा सा कार्यक्रम आयोजित किया गया है उनके स्वागत समारोह के लिए, जहां पर कई सेलिब्रिटीज या वीआईपी मूवमेंट या महाराष्ट्र कुछ नेता हो सकते हैं उनके स्वागत समारोह के लिए। उसके बाद वापस से जब उनकी रवानगी ठीक 7:30 बजे करीब जो मुंबई का ताज कोलाबा होटल है वहां पे वो आखिरी उनका पड़ाव होगा। इसके बाद दोबारा कल एक वापस से एक मूवमेंट जो रखा गया है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, जो मुंबई की खास करके मुंबई के 4 प्लेयर अलग जैसे दुबे हैं, रोहित मिश्रा वगैरह हैं, ऐसे 4 प्लेयर के स्वागत के लिए उन्हें विधान भवन आने का न्योता दिया गया है। उन्होंने भी न्योता को स्वीकार कर लिया है। मुंबई में इस समय कह सकते हैं कि जो तस्वीरें साल 2007 में थी भारतीय टीम का स्वागत करने के लिए, उसी तरह की तस्वीर यहाँ पर आज दिखाई दे रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ यहाँ पर इस समय महाराष्ट्र में राजनीति भी इसको लेकर हो रही है, क्योंकि जो विपक्ष दल है वो ये कहता दिख रहा है कि जो बस, जो ओपन बस जो अभियान करने के लिए गुजरात से यहाँ पर पहुंची है, जिसमें गुजरात का ड्राइवर तक ड्राइविंग करने के लिए मौजूद है, इस बात की आपत्ति विपक्ष को है कि ये मुंबई को अपमान करने की एक जो स्ट्रेटेजी है वो पहले से तय की गई थी क्या, क्योंकि इसके पहले जो ओपन बस थी खिलाड़ियों के स्वागत के समारोह के उपयोग लाने के लिए वो बेस्ट प्रशासन की, यहाँ की मुंबई की बस उपयोग में लाई जाती थी, जो अभी भी बेस्ट प्रशासन के दायरे में या सरहद पे वहाँ पर प्रवेश में खड़ी है, उस बस का इस्तेमाल न करते हुए गुजरात की बस का जो इस्तेमाल किया जा रहा है उसको लेकर आज दिन भर यहाँ पर सरकार और विपक्ष के नेता के बीच बयानबाजी जरूर हुई है। लेकिन कल सरकार की तरफ से उनका अभिवादन किया जाएगा। यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार की तरफ से प्रस्ताव भी, जो मानसून सत्र चल रहा है उसमें भी भारतीय टीम की जो विजय मिली है उसके अभिनंदन प्रस्ताव भी पारित किया गया है। जी लेकिन सर्वेश, दिल्ली से लेकर मुंबई तक हर तरफ हम देख रहे हैं कि भव्य तैयारियां हैं चैंपियंस के स्वागत को लेकर, और खास तौर पर बीसीसीआई की तरफ से भी तैयारियां की गई हैं। जरा उन तैयारियों के बारे में बता दीजिए कि जब क्रिकेटर्स पहुंचेंगे तो किस तरह से उनका भव्य स्वागत होने वाला है। देखिए, बीसीसीआई और एमसीए के तमाम जितने अधिकारी थे उन्हें कल ही अल्टीमेटम जारी कर दिया गया था कि किस तरह से इनका पूरा मूवमेंट होगा। एक पूरा टाइम शेड्यूल तक इनको भेज दिया गया था, दिल्ली के अराइवल से लेके मुंबई के अराइवल से लेके मुंबई अराइवल से लेके वानखेड़े स्टेडियम तक, वानखेड़े स्टेडियम में पहुंचने के बाद उनकी जो मूवमेंट होगी ओपन बस में बैठने से लेकर मरीन ड्राइव तक, पूरा एक मूवमेंट अधिकारियों को पहले ही टाइम टेबल शेड्यूल मुहैया करवा दिया गया था। वानखेड़े स्टेडियम में जो समारोह होना है उसमें पासेस इश्यू किए गए हैं कुछ चुनिंदा जो एमसीए के सिलेक्टेड लोग हैं, जो बीसीसीआई के सिलेक्टेड लोग हैं, या जो अन्य नेता मंत्री हैं, या कुछ वीआईपी जो सेलिब्रिटी तबके के लोग हैं, अलग अलग पासेस इश्यू किए गए हैं। हजारों की तादाद में कह सकते हैं पासेस इश्यू किए गए हैं, किसी भी आम नागरिक को अंतर या एंट्री नहीं है। सिक्योरिटी के खास इंतजाम, काफी कड़े इंतजाम किए गए हैं कह सकते हैं, क्योंकि आज जिस रूट से हमारी हमेशा की आवाजाही होती थी उस रूट पर बहुत कम आवाजाही है। काफी चुनिंदा लोगों को, जो वीआईपी मूवमेंट है जैसे मंत्रियों की या नेताओं की गाड़ियां हैं, उन्हीं लोगों को आने जाने दिया जा रहा है। नॉर्मल जो टैक्सी या कुछ अन्य प्राइवेट जो ट्रांसपोर्ट होते थे उनके आने जाने पर पाबंदी लगाई गई है, उनका मूवमेंट किसी और जगह से कर दिया गया है। आज और कल थोड़ी सी ये मूवमेंट बरकरार रहेंगी, क्योंकि कल ही इस बात की ताकीद दी गई थी कि सुरक्षा के लिहाज से की भारतीय टीम का विजय होकर आई है, उनका जो मूवमेंट होगा जब ओपन बस में वो यहाँ पे लोगों को अभिवादन करते नजर आएंगे, तो सुरक्षा के लिहाज से किसी प्रकार की कोई लापरवाही या कोताही या कोई घटना को अंजाम देने की कोशिश ना करे कोई, क्योंकि अक्सर लोग उत्साह के मौके पे कोई बाटली फेंक देता है, कोई कुछ फेंक देता है, तो उस चीजों को भी ध्यान रखकर अलग अलग अभी से मरीन ड्राइव पर पुलिस के दल जो है वो तैनात कर दिए गए हैं। पूरा मरीन ड्राइव कह सकते हैं सुरक्षा के पूरा 4x24 व्यवस्था कर दिया गया है। लेकिन सर्वेश, वेदर को लेकर भी जरा अपडेट दे दीजिए, क्योंकि वानखेड़े स्टेडियम से लेकर सड़कों तक खचाखच जो है वो लोगों से भरा हुआ नजर आ रहा है, ये तस्वीरों से हम देख पा रहे हैं। इसके अलावा इससे पहले देखा गया था कि हल्की बूंदाबांदी भी हुई थी और घंटों लोग इंतजार भी कर रहे हैं एक झलक पाने के लिए, तो ऐसे में क्या वेदर अनुकूल है कि जब क्रिकेटर्स वहां पर पहुंचेंगे तो लोग आसानी से उन्हें देख सकें और जो रोड शो होना है वो भी आसानी से हो पाए? देखिए, मौसम का तो कुछ कह नहीं सकते, इस वक्त मौसम बकायदा मानसून का है तो बारिश होने की संभावना बनी हुई है, मौसम भी उस तरह का लग रहा है। सुबह से हल्की बूंदाबांदी मुंबई शहर में हो भी रही है। फिलहाल मानसून थोड़ा सा भी थमा जरूर है, अगर वो बाहर निकलते हैं अगर उस समय बारिश होती है तो लोग हटेंगे नहीं, ये तो जरूर है, क्योंकि लोग भारतीय क्रिकेट विजेता टीम को देखने की मंशा लेकर आए हैं, तो लोग हटेंगे तो नहीं।
सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं, लोग भीगते रहेंगे लेकिन लोग देखकर ही जरूर जाएंगे। और ये वो लोग हैं जो क्रिकेट के फैन हैं, जो भारतीय टीम के फैन हैं, तो देखकर ही जाएंगे किसी भी हाल में, चाहे भारी बारिश हो। कुछ लोग हो सकता है कि छाता लेकर आए हों, कुछ लोग नहीं लेकर आए हों, लेकिन जो भीड़ है वो इस बात की संकेत दे रही है कि भारतीय टीम के प्रति जो हमेशा से, चाहे 1983 का वर्ल्ड कप जब कपिल देव की टीम ने जीता था वो रहा हो, या साल 2007 के टीम जो वर्ल्ड जीता की टीम जो मुंबई में इस तरह से मेन ड्राइव पे लोगों को अभिवादन करते नजर आई थी, वो हो चाहे अब की बार हो, तो अभिवादन करते जब भी टीम आती है तो मुंबई का उनका दिलोजान से स्वागत करते हैं। इसी तरह की खचाखच भीड़ अक्सर मरीन ड्राइव में ही मोमेंट ये खास दिखाई देता है, एक मौका मिलता है लोगों को देखने का, क्योंकि टीवी पर देखना स्टेडियम में देखना अलग बात होती है। ये ओपनली लोग अपनी आंखों से बस में अभिवादन करते हुए सब टीम तमाम खिलाड़ियों को अपनी आंखों से देखेंगे, तो लोग हटने वाले तो नहीं है, क्योंकि पूरा कह सकते हैं रोड इस समय जाम है, कह सकते हैं जो तस्वीरें हैं आप देख रहे हैं आप, वो पूरी तरह से रोड जाम है, वो भी सिक्योरिटी के अंतर्गत। किसी प्रकार की कोई गलती या मूवमेंट पुलिस के तरफ से सख्त आदेश है, कोई अगर कुछ भी घटना को अंजाम देता है, कुछ भी डाउटफुल चीजें हैं, तुरंत उसको आउट एरिया कर दिया जाएगा। तो पूरे 4-54 व्यवस्था के साथ कल ही से एक्चुअली इसकी पूरी तैयारी शुरू हो चुकी थी, जब पूरा शेड्यूल आया था भारतीय क्रिकेट टीम का अराइवलिंग से दिल्ली से लेकर मुंबई तक का, कल ही से पूरा मूवमेंट शुरू हो गया था, क्योंकि आज जब हम आ रहे थे तो हमारी गाड़ी भी कुछ दूसरे मूवमेंट से होकर आना पड़ा हमें, थोड़ी से हमें 10 या 20 मिनट कह सकते हैं लेट आना पड़ा। तो पूरा 4-54 व्यवस्था की गई है, जिस तरह से जीत शानदार हुई उस तरह से शानदार इनका मुंबई कर स्वागत भी करके दिखाई दे रहे हैं। ठीक सर्वेश, 17 साल का जो एक लंबा इंतजार था वो खत्म हुआ, जब क्रिकेटर्स भारत पहुंचे तो वो तस्वीरें भी सामने आई, उनके चेहरे पर जो खुशी थी, लोग नाचते हुए भी नजर आए, हमने देखा कि भारतीय जो क्रिकेटर्स थे वो भी थिरकते हुए नजर आए, वो भी तस्वीरें हमने देखी। लेकिन अब जो दो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग, तस्वीरें देखकर लगता है कि लाखों की संख्या में लोग पहुंचे हैं, ना सिर्फ मुंबई महाराष्ट्र बल्कि अलग अलग स्टेट से भी आज लोग पहुंचे हुए हैं, लोग अपनी खुशी का इजहार कैसे कर रहे हैं? देखिए, ये जो लोग पहुंचे, जो क्राउड आपको टीवी स्क्रीन में दिखाई दे रही है, ये जो कल मैसेज सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था टाइम शेड्यूलिंग का, एक्चुअली चाहे हमारे घर के बच्चे हो या ट्रेन या लोकल ट्रांसपोर्ट से सफर करते हुए, कल हमने भी नोटिस किया था कि जो टाइमिंग शेड्यूलिंग थी वो सभी के मोबाइल पर वायरल हो गई थी, तो सभी को नॉर्मल मीडिया से लेके नॉट ओनली सोशल मीडिया बल्कि जो आम नागरिक भी है उसे भी ये पता चल गया था कि कल भारतीय टीम जो विजेता टीम है, विश्व विजेता टीम, वो मुंबई में सभी का अभिवादन करते आने आ रही है और इनका यहाँ पे स्वागत किया जाएगा, तो ये चीज सबको मालूम हो गई थी। तो यहाँ पर सुबह 8-9 बजे के बाद ही लोग धीरे धीरे मरीन ड्राइव पे आना शुरू हो गए थे, और इस तरह की भीड़ सभी यहाँ पर नजर आती है जब विजेता टीम, जो भारतीय टीम होती है, यहाँ पर अभिवादन करने या उनका स्वागत करने के लिए पूरा कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। तो ट्राइडेंट होटल से बात करें, एकदम मरीन ड्राइव का जो लास्ट कॉर्नर है, वहां से लेके गिरगांव चौपाटी का एकदम जो लास्ट कॉर्नर है, मलबार हिल के एकदम एग्जिट पॉइंट तक, जहां पर एक बीट चौकी थी पुलिस की, वहां तक पूरी एक पूरा बड़ा क्राउड है, लोगों का हुजूम पूरा जमा हुआ है, कई लोग अपने परिवार के साथ आए हुए हैं, तो कुछ लोग जो काम से छूटे वो भी खड़े हैं, और कुछ लोग आउट ऑफ बॉम्बे से भी आए हुए हैं, राजस्थान गुजरात से भी कह सकते हैं, जो क्रिकेट के खास करके फैन है, पहले से उनका मूवमेंट था आने का और बस अब उन्हें देखने का इंतजार है, जिस तरह से पूरा मूवमेंट होगा और देखने लायक होगा। एक शानदार तस्वीर टीवी स्क्रीन पर दिखाई देगी, जो लोग यहाँ पर नहीं देख पाएंगे वो अपने टीवी स्क्रीन पर देख पाएंगे कि भारतीय विश्व विजेता टीम का मुंबई में, खास करके मुंबई क्रिकेट की एक जननी कही जाती है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर देश को कोई खिलाड़ी मिला है क्रिकेट की दुनिया में तो मुंबई, इसी मुंबई शहर से मिला, चाहे सचिन तेंदुलकर हो या और अन्य खिलाड़ी हो, सुनील गावस्कर और रवि शास्त्री हो, तो ऐसे बड़े बड़े खिलाड़ी जो है मुंबई शहर से मिले हैं, इसलिए मुंबई शहर का जो स्वागत होता है वो देखने लायक होता है। जी बिल्कुल, ये स्वागत अपने आप में बेहद खास होता है। 2.2 किलोमीटर दूर वानखड़ी स्टेडियम तक ये जुलूस निकाला जाना है, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसके बाद में स्टेडियम में सम्मान समारोह भी रखा गया है, 125 करोड़ रुपए का इनाम भी आज भारतीय टीम को दिया जाएगा, जिसको लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। अब और कितना वक्त बाकी रह गया है ये भी बताइए, भव्य रोड शो को लेकर, क्योंकि लोग घंटों से इंतजार कर रहे हैं, आप बता रहे थे कि कल से ही लोगों के पहुंचने का जो सिलसिला था वो शुरू हो चुका था, तो अब और कितना इंतजार करना होगा? देखिए, अभी तकरीबन 6-6.5 के ऊपर बच चुका है, और जो सिक्योरिटी का मामला है, थोड़ा सा मुझे लगता है कि सिक्योरिटी पर्पस थोड़ी सी चीजें आगे पीछे हो सकती है, क्योंकि मुंबई एयरपोर्ट से निकलकर सीधे फास्ट रोड से अगर वो वर्ली सीफेस्ट
वारले रास्ते से भी आते हैं बांद्रा वर्ली सीलिंग रोड से, तो वहां से भी आने में कम समय नहीं लगेगा। लेकिन सिक्योरिटी पर्पज से थोड़ी चीजें आगे पीछे हो सकती है, क्योंकि मूवमेंट जो है हाजी अली दरगाह और जो पैदल रोड से मूवमेंट है वहां से यहां पे आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन वहां की जो गाड़ियां हैं उस साइड लेफ्ट साइड मुंबई सेंटर से जाने के लिए जो मूवमेंट एक चेंज किया गया है उससे थोड़ा सा आगे पीछे कुछ चीजें हो सकती है ट्रैफिक को लेके। मैक्सिमम मैं एक अनुमान लगा के सकता हूँ कि 20 से 25 मिनट में मरीन ड्राइव पर भारतीय टीम की जो बस है वो नजर आनी चाहिए एक अनुमान से, और लोग जो होंगे भारतीय टीम के तमाम जो खिलाड़ी होंगे विजेता टीम के उनके अभिवादन करते दिखेंगे, और एक नजारा होगा देखने ऐसा। तो जैसे कहते हैं कि जो विश्व विजेता टीम जो स्टेडियम में उस दौरान था वो नजारा यहाँ पर भी मरीन ड्राइव पर दिखाई देगा। बिल्कुल, तो 6:20 का वक्त था जब मुंबई एयरपोर्ट से सभी खिलाड़ी बाहर निकले, और माना जा रहा है कि बस 20 से 25 मिनट और इंतजार करना होगा जिसके बाद में ये परेड की जो शुरुआत है वो हो जाएगी। और सर्वेश एक बार फिर से आप बता दीजिए, क्योंकि इनाम भी आज दिया जाना है और स्वागत समारोह भी रखा गया है, जगह जगह पर लोग भी स्वागत करने के लिए काफी बेताब नजर आ रहे हैं, तैयारियां काफी पहले से शुरू कर दी गई थी। जब क्रिकेटर्स यहां पर पहुंच जाएंगे उसके बाद क्या कुछ कार्यक्रम आगे रहने वाले हैं? देखिए, स्वागत समारोह कार्यक्रम जो है, जो इनाम की राशि है जो भी घोषित की गई वो तमाम खिलाड़ियों को कार्यक्रम के दौरान दी जाएंगी, और पॉसिबिलिटीज जो है कि क्रिकेट टीम में जितने भी कुछ खास बड़े उद्योगपति हैं उन्हें भी शायद बुलाया गया है। अभी नाम लेना तो मुश्किल है, लेकिन उद्योगपतियों को बुलाया गया है, महाराष्ट्र के कुछ बड़े नेताओं को बुलाया गया जिनमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, साथ ही जो एमसीए के तमाम जो मेंबर हैं जिसमें कई पॉलिटिशियन हैं जैसे शरद पवार की पार्टी के जितेंद्र रवाड़ हैं और भी आशीष शेलार हैं, ऐसे कई लोग हैं ये भी वहां पे उस समय कार्यक्रम में मौजूद होंगे। पूरी तरह से वीआईपी मूवमेंट ध्यान में रखते हुए चीजें एक एक आदमी को जब एंट्री दी जाएगी अंदर वांकेड़े स्टेडियम में, बाकायदा इन्विटेशन में जो उन्हें दिया गया वो पास चेकिंग करने के बाद दी जाएगी। वीआईपी मूवमेंट के गेट अलग रखे गए हैं, उन्हें अलग से एंट्री दी जा रही है, और जो नॉर्मल जो अलग क्रिकेट एकेडमी से जो बिलोंग करते हैं जो एमसीए या बीसीसीआई के जो मेंबर हैं जो क्रिकेट खिलाड़ी हैं या अधिकारी हैं जो काम करते हैं बीसीसीआई एमसीए में उनके लिए अलग से एंट्री रखी गई है, और जो क्रिकेट प्लेयर है जो हाल ही में कुछ सिलेक्टेड हुए या पहले से एमसीए में क्रिकेट खेलते हैं उन्हें भी खास तौर से बुलाया गया है। तो पूरा कार्यक्रम में तकरीबन जो जानकारी एक नेता से मिली है उसके मुताबिक तकरीबन 7 से 8 हजार लोग जो है वो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, और लेकिन अभिवादन के कार्यक्रम के बाद ये समारोह होगा ये बताना चाहूंगा। मरीन ड्राइव में जो अभिवादन हो जाएगा जब ओपन बस में आ जाएंगे उस अभिवादन के समाप्त होने के बाद ये वांकेड़े स्टेडियम में कार्यक्रम होना है, और उस कार्यक्रम के समाप्ति के बाद ये इनका पूरा मूवमेंट होगा। आखिरी जो पड़ाव होगा रहने का जो है ताज कोलाबा होटल में किया गया है, वहां पर सीधे बस जाएगी अभिवादन करते हुए। तो बिल्कुल देखिए, ये तस्वीरें आप देखिए, भारत का तिरंगा लेकर हर कोई इंतजार कर रहा है, और लोगों के चेहरे देखकर आप समझ सकते हैं कि लोग कितना ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। हालांकि कई घंटों से लोग यहां पर इंतजार कर रहे हैं एक झलक पाने के लिए कि भारतीय क्रिकेटर्स की एक झलक मिल जाए, और आप ये तस्वीरें देखिए, सिर्फ आपको लोगों के सर ही नजर आएंगे क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में आज लोग पहुंचे हुए हैं। और सर्वेश हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं जो कि वहां की अपडेट भी हम तक पहुंचा रहे हैं। तो सर्वेश, क्या वीवीआईपी लिस्ट भी जारी की गई है कि इस दौरान क्या कोई बड़े पॉलिटिकल लीडर्स या फिर कोई बड़े बिजनेसमैन वीवीआईपी चेहरे भी आज जो शामिल हो सकते हैं? ना, लिस्ट तो ओपन नहीं की गई है, लेकिन जिस नेता से जानकारी मिली है उनके मुताबिक महाराष्ट्र के जितने भी बड़े मिनिस्टर्स हैं उनको बाकायदा ये इन्विटेशन कार्ड भेजा गया है। जो एमसीए के मेंबर हैं हाल ही में जो सिलेक्ट हुए थे, चुनाव हुआ था 1.5 साल पहले, उन्हें सभी भेजा गया है इन्विटेशन। बीसीसीआई के तमाम लोग तो आएंगे, जाहिर सी बात है, तमाम जो अधिकारी हैं वो भी बात आएंगे, लोग आएंगे। शरद पवार जो है वो बीसीसीआई में बड़े से वो कार्यरत रहे हैं, उन्हें भी बुलाया जा सकता है, उन्हें भी इन्विटेशन गया ही होगा, ऐसे नहीं कि नहीं गया होगा। रवि शास्त्री कह सकते हैं वो भी आएंगे, सुनील गावस्कर है वो भी आएंगे क्योंकि क्रिकेट की ये बड़ी हस्ती रहे हैं। तो क्रिकेट जगत के जितने भी बड़ी हस्ती मुंबई शहर में जो विराजमान जो रहते हैं यहाँ पे उन्होंने अपनी
करियर को अंजाम दिया और वो एक बड़े मुकाम पे पहुंचे, वो डेफिनेटली श्योर इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। सचिन तेंदुलकर की बात करें जिनके क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, विश्वविद्यालय टीम की स्वागत करने के लिए वानखेड़े स्टेडियम में कार्यक्रम में वो भी शामिल होंगे। तो तमाम चीजें हैं, कोई इसमें छूटेगा नहीं, क्योंकि अगर कोई छूटेगा तो वो न्यूज बनेगी। सचिन तेंदुलकर का इस कार्यक्रम में ना आना तो अपने आप में एक बड़ी खबर बन जाएगी, सभी जानते हैं। तो कि एमसीए इस चीज को लेके कोई गलती नहीं करेगी, इन्विटेशन सभी को भेजा गया है। खाली एक छोटी सी चीज ये रह गई थी, खाली जो राजनीति जिस चीज को लेके यहाँ पर शुरू हुई कि जो गुजरात से जो बस लाई गई जिसमें गुजरात का ड्राइवर है, उस चीज की भनक, उस चीज का जो एक विश्वास था एमसीए को, इस कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया था, एमसीए को भी इस बात की जानकारी नहीं थी। लेकिन जो ठीक है सर्वेश, 6:20 का वक्त था जब जो क्रिकेटर्स एयरपोर्ट के बाहर देखे गए, इसके बाद पर जरा ये बता दीजिए क्या एयरपोर्ट से डायरेक्ट वानखेड़े स्टेडियम जाने का कार्यक्रम है प्लेयर्स का, और साथ ही इस बीच कितनी दूरी रहेगी, क्योंकि आप सब यही जानना चाहते हैं कि और कितना वक्त लगेगा भव्य रोड शो में। देखिए, एयरपोर्ट से निकलने के बाद उनका डायरेक्टली मरीन ड्राइव भी आने का प्लान है, वानखेड़े और मरीन ड्राइव भी आने का शेड्यूल है, उस बीच वो कहीं नहीं जाएंगे, यही पे आने का प्लान है। और वो जो लोकल जो रास्ते हैं वहां से नहीं आएंगे, जो बांद्रा वर्ली सीलिंग जो समुद्र के बीच उड़ान पुल है उसी रास्ते से आएंगे, और उसकी उसके जो टाइमिंग होगी मैक्सिमम उससे होते हुए आधा घंटा पकड़ लिया, आधा घंटा। अगर पुलिस सिक्योरिटी पूरी तामझाम जो कल रात देर रात से व्यवस्था की गई है, तमाम चीजें उलट फेर की गई हैं, कुछ मूवमेंट चेंज किए गए हैं ट्रैफिक के, अगर उस मूवमेंट को बाकायदा पुलिस अंजाम दे रही है, ट्रैफिक पुलिस और मुंबई पुलिस, तो उसके चलते आधे घंटे में इंडियन टीम मरीन ड्राइव पर होनी चाहिए, क्योंकि जो टाइमिंग शेड्यूल था उसके मुताबिक टाइमिंग आगे पीछे थोड़ा सा आधे घंटे हेर फेर हो रहा है, लेकिन इनका टाइमिंग आधे घंटे पहुंच जाना चाहिए अनुमान है, क्योंकि बांद्रा वर्ली सीलिंग मोस्टली एकदम फास्ट मूवमेंट में 60 या 65 की स्पीड से जाने का वहां पे है, बीच में गाड़ी कहीं रुकती नहीं है, एक चेक पोस्ट से निकलकर गाड़ी आखिरी पड़ाव तक पहुंचती है, उसके बाद बांद्रा वर्ली काटर रोड से होते हुए सीधे उसे हाजी अली दरगाह वाले रोड पे भी अभी समंदर का एक अंडरग्राउंड पुल बन चुका है, तो उस अंडरग्राउंड पुल से सीधे वो जो बस अगर अब उसमें से आ पाएगी नहीं, बस की ऊंचाई पता नहीं, अगर अंडरग्राउंड पुल से आप नहीं आ पाएगी, क्योंकि उतनी ऊंचाई नहीं अंडरग्राउंड ब्रिज की समंदर की, कोस्टल जो रोड बनाया गया, और उस दूसरे रास्ते से आती मैक्सिमम आधा घंटा पकड़ लीजिए, आधे घंटे से ज्यादा का वक्त नहीं लगना चाहिए, क्योंकि पुलिस के काफी बंदोबस्त है, पुलिस ने नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन को रोक रखा है, पब्लिक का क्राउड है वो उसको तो रहना ही है, उसको तो हटाने की कुछ क्योंकि कोशिश नहीं कर सकते, क्योंकि क्रिकेट टीम के बीच और पब्लिक के बीच जो दृश्य है ये अपने आप को इसी दृश्य को देखने के लिए तो सब लोग ललायत रहते हैं, तो पूरा मूवमेंट आधे घंटे का वक्त है, आधे घंटे पहुंच जानी चाहिए टीम। जी, और बिल्कुल ये बस की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इसी बस पर सवार होकर जो भारतीय क्रिकेटर्स हैं वो आज रोड शो करने वाले हैं, और देखिए किस तरह से खास इसे डिजाइन किया गया है, और दोनों तरफ बस के आपको भारतीय चैंपियंस की तस्वीरें नजर आएगी, और ये तस्वीर उस दौरान की है जब भारतीय टीम ने मैच जीता था, और उस वक्त भी सर्वेश हमने देखा कि रात के 12 बज रहे थे, और जब ये डिक्लेयर हो गया कि भारतीय टीम ने मैच जीत लिया है, हालांकि मैच काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प रहा उस दिन, क्योंकि बीच बीच में कहीं ना कहीं लोग काफ़ी ज़्यादा निराश भी नजर आए, और बीच बीच में लग रहा था कि क्या मैच जीतेंगे या फिर नहीं जीतेंगे, और उसके बाद में जीत हासिल की, और उस वक्त भी हमने देखा कि रात के 12 बज रहे थे, लोग सड़कों पर बाहर निकल कर जश्न मना रहे थे, पटाखे फोड़ रहे थे, और कुछ वैसी ही तस्वीरें आज हम मुंबई से देख पा रहे हैं। आज फटाके तो कम फूटते नजर आ रहे हैं, लोगों के जो चेहरे हैं, हाथ में जो तिरंगा ध्वज है और जो लोगों का एक उत्साह है वो मुंबई में दिख रहा है, तो ये किसी दिवाली के फटाकों से कम नहीं है। ऐसी भीड़ बहुत रेयर देखने मिलती है, बहुत कम देखने मिलती है कि देश को एक सम्मान मिला हो, देश में एक बड़ी जीत मिली हो, और वो जीत जब भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों की हो, तो उनके सम्मान में जब ये भीड़ इकट्ठा होती है तो ये अपने आप देखने लायक होती है। तो फटाके बजाने पर यहाँ पर आज अनुमति नहीं है, क्योंकि मामला थोड़ा सिक्योरिटी का भी है, लेकिन लोग इकट्ठा जरूर है, क्राउड है, बड़ा क्राउड है कह सकते हैं, इस तरह क्राउड अक्सर देखने को नहीं मिलता है, तो सिक्योरिटी के इंतजाम के चलते फटाके बजाने की अनुमति नहीं दी गई है, लेकिन जिस रोज टीम जीती थी उस रात 1-2 बजे तक कह सकते हैं कि फटाके बज रहे थे, चाहे मुंबई शहर हो चाहे मुंबई के आसपास के शहर हो,
पटाखों की गूंज उस समय काफी दिखाई दे रही थी। जब भी भारतीय टीम जीतती है तो ये साधारण सी बात है कि लोग बिना पटाखे बजाए रह नहीं सकते। बिल्कुल सर, विश्वास यहाँ पर एक जी जी बात पूरी कीजिए अपनी। कुल मिला जुला कर कह सकते हैं कि आज मुंबई के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, मतलब देश के लिए तो बहुत बड़ा दिन है ही। हाँ। लेकिन मुंबई में जब इस तरह की चीजें होती है तो मुंबई कर इसको छोड़ना नहीं चाहते, उसको यादगार दिन बना देना चाहते हैं। तो मुंबई कर आज पूरे उस यादगार दिन बनाने के लिए जुटे हुए हैं। अब बस सामने तस्वीर जैसे ही भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों की आएगी, वो जिस तरह से उनका शोरगुल होगा वो टीवी के जरिए दर्शक तमाम अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्योंकि वो शोरगुल ही अपने आप में किसी स्टेडियम में जो शोरगुल होता था जिस वक्त टीम जीती थी आखिरी कैच पकड़ने के बाद, तो वो शोरगुल पूरा यहाँ पर भी दिखाई देगा पूरा। बिल्कुल, और ये तस्वीरें देखकर सर्वेश लगता है कि आज जो सिर्फ मुंबई वाले ही नहीं है स्टेडियम में, बल्कि ऐसा लग रहा है कि दूर दूर से लोग पहुंचे हुए हैं आज मुंबई जश्न मनाने के लिए। और ऐसे में बस अब इंतजार है, कुछ देर बाद जो चैंपियंस है वो पहुंच जाएंगे। लेकिन सर्वेश एक चीज जरा और बताइए आप कि पटाखे फोड़ने पर आपने बताया कि बैन लगा दिया गया है, कई सारे रूट भी यहाँ पर डाइवर्ट किए गए हैं, ये कुछ जो बदलाव हैं वो जो किए गए हैं उसके बारे में सर्वेश आपको बता रहे थे। सर्वेश आप अब नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे आगे भी लेंगे और जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो कुछ ही देर बाकी रह गए जिसके बाद में भारतीय टीम पहुंच जाएगी स्टेडियम और उसके बाद में भव्य रोड शो होगा जिसको लेकर तैयारियां काफी दिन पहले से शुरू हो चुकी थी। और ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में आपको लोग नजर आ रहे होंगे। अब बस इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही क्रिकेटर्स यहां पर पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया जाए और उसके बाद में भव्य रोड शो की शुरुआत हो।